हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपडेट चैनल स्पोर्टिंग क्रेड में। मैं आपको क्रिकेट से बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जी बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कुछ मिल सके। पहले बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है देवधर पाड़ीकर के हवाले से की बड़ी खबर। MSK प्रसाद के मुताबिक देवधर पाड़ीकर आने वाले वक्त में इंडियन टीम के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। उनके मुताबिक ये इंडिया का फ्यूचर है और बहुत ही बेहतरीन आने वाले वक्त में ये इंडियन टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलेगा। उनके मुताबिक 3-4 साल में आप देखोगे कि ये इंडियन टीम में कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट दिखाएंगे। और MSK प्रसाद खुद भी एक सिलेक्टर रह चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन करते थे, और अब उनके मुताबिक देवधर पाड़ीकर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है। अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज इस वजह से क्योंकि वो हमेशा रन बनाते रहते हैं, और अगर देखा जाए तो RCB की तरफ से इस साल भी उन्होंने बेहतरीन सेंचुरी मारी। और देवधर पाड़ीकर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और इस साल उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रन बनाए। पहले कुछ मैचों में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन आखिर में जो मैचेस खेले उनमें बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देवधर पाड़ीकर ने की, और MSK प्रसाद ने भी इनकी तारीफ करते हुए कहा कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। और दूसरी बड़ी खबर करो कर खबर निकल के आ रही BCCI के हवाले से की बड़ी खबर। एक सूत्रों के मुताबिक BCCI ने अभी भी डिस्कस नहीं किया है कि IPL जो इंग्लैंड में इंग्लैंड के काउंटीज़ ने जो ऑफ़र किया था कि BCCI के को कहा था कि IPL 2021 जो बाकी बचे 31 मैच है वो इंग्लैंड में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी BCCI ने अभी तक भी इस पर कुछ भी डिस्कशन नहीं की है, नहीं कुछ भी डिसीजन कुछ भी मीटिंग नहीं हुई है। BCCI अभी सिर्फ जितने भी ओवरसीज़ खिलाड़ी हैं जितने भी पॉजिटिव निकले हैं उन खिलाड़ियों को उनकी ट्रीटमेंट कर रही है, उनके बाद उन खिलाड़ियों को अपने अपने देश भेजा जाएगा, उसके बाद इंडियन टीम जो इंडिया की खिलाड़ी है वो सभी खिलाड़ी जितने भी रणजी डोमेस्टिक खिलाड़ी है वो अपने अपने घर पहुँच जाएंगे, उसके बाद ही BCCI वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए यानी तैयारियाँ शुरू करेगी, उसके बाद सोचा जाएगा। जुलाई में इस पर कन्फर्मेशन आ सकती है कि जो IPL 2021 के बाकी बचे 31 मैच है क्या वो सितंबर में खेले जाएंगे या वो T20 वर्ल्ड कप के बाद खेले जाएंगे। अभी तक इस बार भी कुछ भी खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट चाहती है कि सितंबर में IPL इंग्लैंड या श्रीलंका में हो, लेकिन BCCI ने अभी तक इस पर कुछ भी डिस्कस नहीं की है, और आने वाले यानी जुलाई में इस पर आखिरी कंफर्मेशन आ सकती है, और जुलाई में इंडिया की BCCI की मीटिंग हो सकती है। फिलहाल अभी तक सिर्फ रिपोर्ट निकल के आ रही है, अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है सौरभ गंगोली और जय शाह के हवाले से। BCCI सेक्रेटरी और BCCI प्रेसिडेंट दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में देखने को मिल सकते हैं, जुकत की बड़ी खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI 2 जून को एक साथ इंडियन टीम के साथ ही जाएगी, और वहीं से 10 दिन का क्वारंटीन करने के बाद वो 18 जून से 23 जून के बीच जो IPL जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा उसमें वो देखने के लिए जा सकते हैं। अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह और सौरभ गंगोली दोनों उस फाइनल में देखने को मिल सकते हैं, और ICC के बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें देखने को मिल सकते हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो डेविड रिचर्डसन जैसे बड़े बड़े अधिकारी उसमें देखने को मिल सकते हैं, और BCCI और न्यूजीलैंड क्रिकेट के बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें देखने को मिल सकते हैं। और 2 जून को पूरा पता चलेगा कि BCCI सेक्रेटरी और BCCI प्रेसिडेंट अगर भी इंडियन टीम के साथ जाते हैं तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके। थैंक यू।